उसमें ये आगे आता है कि नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना, जब रात्रि ही नहीं होती, अंधेरा ही नहीं होता, तो प्रातः काल कैसा, वह हमेशा प्रातः काल ही है। तो चतुरों में शिरोमणि वही होते हैं जो इस भक्ति मणि के लिए प्रयत्न करते हैं। और ये भक्ति मणि मिलती कहां से है, चतुर इसमें आता है भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति जो है हे तात बहुत अधिक सुख देने वाली है, सुख की मूल है, रूट है। और मिलेगी कैसे, मिले जे संत हो ही अनुकूला। इसका अर्थ ये भी कहते हैं कि संत हमारे अनुकूल हो जाएं, या कुछ संत ये भी कहते हैं कि संत तो सबके अनुकूल होते हैं, हमें संतों के अनुकूल होना है। मिले ही जे संत हो ही अनुकूला, अगर हम संतों के अनुकूल हो जाते हैं ये भक्ति मणि हमें तभी मिलती है। और सो मणि जदपि प्रगट जग अहै, वो मणि संसार में प्रगट है, सबको प्राप्य है, सबको प्राप्त हो सकती है, ऐसा नहीं है किसी के लिए दुर्लभ है और किसी को मिल जाती है, सबके लिए ओपन है ये चीज भक्ति मणि। राम कृपा बिनु नहीं को लहै, जबकि सबको मिल सकती है फिर भी राम कृपा के बिना ये नहीं मिलती। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राम भक्ति भक्ति मणि कृपा के बिना नहीं मिलती, तो राम कृपा हमें मिले कैसे, उसके मिलने का क्या साधन है कि हमें वो कृपा मिले भगवान की, कल हम ये चर्चा कर रहे थे। तो वास्तव में ऐसा कहते रामचरितमानस में ही आता है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तुलसीदास जी मन वचन और कर्म, कर्म को अक्सर वो क्रम लिखते हैं तुलसीदास जी। तो जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर, मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो कि मन में और है, वचन में और बात है, कर्म में और बात है, इसमें चतुराई छोड़ दो, बिल्कुल गंदगी रहित जिसको कहते हैं मैल रहित, अर्थात कोई भी दूषित भाव ना रहे, ना मन में रहे, ना हमारे वचन में रहे, ना कर्म में रहे, तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बरस रही है। सब भगवान तो खुद कह रहे हैं, सब पर मोरी बराबर ही दया, मेरी दया सब पर बराबर है, लेकिन हमने अपने संशय के छाते लगाए हुए, कृपा बरस रही है लेकिन हमने उसको खुद ही छाता लगाया हुआ है। कैसे कि हमने दुनिया भर के उसमें संदेह लगाते हैं, प्रश्न खड़े करते हैं, और जिन पे कोई तथ्य नहीं है ऐसी ऐसी बातें हम लोग कहते हैं। तो सुगन उपाय पाइबे केले, उसके पाने के उपाय भी सुगम है। सुगम किसको कहते हैं, आसान है, इजी है, भक्ति को पाने के उपाय बहुत आसान है। कल भी बात हो रही थी कि भक्ति कोई प्रोसेस नहीं है कि धीरे धीरे होगी, बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज और अभी सुधार हो सकता है। तो सुगम उपाय पाइबे केरे, नर हत भाग्य दे ही पट भेरे। हत भाग्य किसको कहते हैं कि जो अभागे मनुष्य है, दे ही पट भेरे, अपने पट में से दरवाजे, बुद्धि के दरवाजे बंद कर देते हैं, उस भक्ति को हृदय के दरवाजे बंद कर देते हैं, बुद्धि के बंद कर देते हैं, और उस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है। क्योंकि जब हम बुद्धि में, देखिए भगवान में खो जाना ही भगवान को खोजना है। लोग कहते हैं ना हम भगवान को खोज रहे हैं, भक्ति को खोज रहे हैं, लेकिन भगवान में खो जाना ही भक्ति को खोजना है, कोई और नहीं है। और केवल प्रेम का नाम भक्ति है,
जो लोग दरवाजे बंद कर देते हैं, अपने संचय से दरवाजे बंद कर देते हैं। इसमें ये भी आता है एक जगह, सो परत्र दुख पावहीं धुनी धुन सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते, वो क्या करते हैं, बाद में एक समय ऐसा आता है सो परत्र दुख पावही, वो इतना दुख पाते हैं, सिर धुनी धुनी पछताई, सिर धुन धुन कर पछताते हैं। फिर करते क्या है, काल ही समय को, मेरा तो समय ही खराब है, कर्म ही अपने कर्मों को दोष देते हैं, और ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या मीन्स झूठा, झूठा दोष देते हैं भगवान को, अरे भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया, जबकि भगवान ने तो कुछ नहीं किया, हमने ही दरवाजे बंद रखे अपने, समय रहते हम जागे नहीं है। तो एक इसमें और भी बड़ा सुंदर आता है, मेरे ख्याल आगे आएगा, कांच की रिच बद लेते ले ही, कांच और कूड़ा उठा लेते हैं भक्ति के बिना, भक्ति के स्थान पर, करते डारी परस मनी दे, पारस मणि, पारस मणि को छूने से सोना बन जाती है हर चीज, लेकिन हाथ से पारस मणि को छोड़कर हम लोग कांच की रिच कूड़ा करकट उठाते हैं, कांच की रिच बद लेते ले ही करते डारी परस मणि दे, हाथ से पारस मणि छोड़ देते हैं। और एक बहुत सुंदर एक संत बताते हैं, कई लोग कहते हैं कि आपको बताऊं, स्वामी राम किंका जी, साकेतवासी राम किंका जी से किसी ने पूछा कि गीता और रामायण का इतना प्रचार हो रहा है, जगह जगह कथा होती है, गीता और रामायण के प्रचार होते हैं, फिर भी लोगों के कष्ट नहीं जा रहे, तो ये क्या कारण है, किंका जी से किसी ने पूछा था, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था। वो कहते हैं कि किसी वर्ष में, किसी साल में छाते बहुत बिके, साल में मतलब किसी ईयर में छातों की सेल बहुत ज्यादा हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वर्षा नहीं होगी, वर्षा होगी तो छाते से उसका बचाव होगा। तो ये जो गीता रामायण या ज्ञान की बात हम लोग जो भी बैठ के करते हैं, उससे क्या होता है, किसी भी कष्ट आने पर वो हमारी सुरक्षा करता है, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे लेकिन उससे सुरक्षा होगी, कष्ट आएंगे हमें पानी में डुबाएंगे नहीं, हम कष्टों में डूबेंगे नहीं, आएंगे हमें स्पर्श करके चले जाएंगे कष्ट। तो आगे बढ़ते हैं इससे कि हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने हैं, संशय के दरवाजे, अहंकार आड़े आ जाता है हमारे, क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक हम लोगों ने अभी पिछले दिनों ही डॉक्टर साहब के साथ चर्चा हो रही थी, अहम और वहम, अहम ये हो रहता है हमें, मुझे सब कुछ पता है, बहुत सुने हैं हमें, हमें सब पता है, और वहम ये रहता है कि जो मुझे पता है वही सही है, हम कोई नई चीज लेने के लिए अपने को ओपन नहीं रखते, तो ये वहम रहता है कि जो मुझे पता है वही सत्य है, वही ठीक है, मुझे और चाहिए नहीं, यही वहम रहता है। एक्चुअली हम कहते हैं कि भगवान के नाम में क्या रखा है, एक सीमा तक ले लेंगे, ठीक है एक सीमा होती है, जबकि इसकी कोई तृप्ति नहीं होती, हरि नाम में पूर्ति नहीं होती, निवृत्ति नहीं होती, तृप्ति मतलब बहुत हो गया, बस अब भगवान का नाम ले लिया, ऐसा नहीं होता, निवृत्ति बस हम निवृत्त हो गए, फ्री हो गए राम नाम लेने से, मतलब इतना मुझे करना था वो मेरा हो गया, अब मैं फ्री, निवृत्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती और पूर्ति भी नहीं। एक बार एक व्यक्ति था जो
हमेशा ये कहता था कि हरि नाम में कुछ नहीं है, भगवान है ही नहीं। हमेशा वो ये कहता था कि भगवान नहीं है, और सब लोग कहते थे कि भगवान है। तो उन्होंने सबने मिलकर एक मीटिंग की, सब लोग आए, उन्होंने कहा चलो अपने अपने हम भाव रखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि भगवान है या नहीं है। सबने अपने अपने तर्क रखे, जिन्होंने कहना था भगवान है उन्होंने अपने तर्क रखे, और जो व्यक्ति हमेशा ये कहता था कि भगवान नहीं है उसने अपने तर्क रखे कि भगवान नहीं होते। तो अंत में यही हुआ कि वो व्यक्ति जीता तर्क में, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि भगवान नहीं होते। तो उसका सम्मान किया गया, एक फिर मीटिंग रखी गई, उसमें ये सबने पूछा कि आपको इतनी नॉलेज कैसे है कि आप ये प्रूव कर दिया आपने कि भगवान नहीं होते, तो आपको इतनी नॉलेज कैसे है। तो उसका उत्तर था उस व्यक्ति का कि सब उसकी कृपा है, सब ऊपर वाले की कृपा, कि उसको मैंने सिद्ध कर दिया कि वो नहीं होता, ये भी उसी की कृपा है। तो अल्टीमेटली हमें इस पर आना है, आज आए या कल आए इस रास्ते पर, हमें आना ही इस पर है। अब आगे देखिए, पावन पर्वत वेद पुराना, वेद और पुराण जो है, वेद मींस ज्ञान, प्योर ज्ञान है वेद, और वेद और पुराण जो है वो पावन पर्वत, ये पर्वत है बहुत, मतलब गहरे पर्वत है, इसमें खाने भरी हुई है। खान मतलब किसको कहते हैं, इसमें वेद पुराण रूपी पर्वत में ज्ञान भरा हुआ है, मतलब इन पर्वतों में बहुत सारे भंडार भरे हुए हैं वेद पुराणों में, यानी कि। और राम कथा रुचिरा करना ना, राम कथा जो है या कृष्ण कथा है, जब भी मैं राम नाम कहती हूँ तो कृष्ण और राम एक ही है, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। तो उसमें जो खाने भरी हुई है ना, खाने मतलब भंडार भरा हुआ है उन पर्वतों में, वो राम कथा का है। वेद पुराण रूपी पर्वतों में जो खाने हैं वो राम कथा है। और मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, मर्मी सज्जन जो संत सज्जन होते हैं, संत लोग होते हैं, वो कुदाली, कुदाली मतलब जिससे खोदा जाता है पर्वतों को, खोद कर खाने खोद कर निकाला जाता है, वो अपने ज्ञान की खानों से उसको खोदते हैं। और सुमति अच्छी मति उनकी कुदाली है। और ज्ञान विराग नयन उर्गारी, हे उर्गारी हे गरुड़ जी, वो संत लोग क्या करते हैं, उसमें से अपने ज्ञान और वैराग्य की आंखों से, जैसे पर्वत में खुदाई की, उसमें से मणि को या उसमें जो कीमती चीजें निकलनी है उसकी पहचान भी तो होनी चाहिए ना। वो संत पहचान करते हैं, कैसे पहचान करते हैं, उनकी आंखें कैसी है, ज्ञान विराग नयन, ज्ञान और वैराग्य की दो आंखें हैं। हे उर्गारी, सज्जन लोग जो वेद पुराणों में से हमें राम कथा निकाल कर देते हैं, वेद पुराण क्या है, ये पर्वत हैं, भक्ति मणि इनमें छिपी हुई है, ज्ञान और वैराग्य की आंखों से संत लोग उसमें से ये मणियां भक्ति मणि को निकाल कर हमारे आगे रख देते हैं। ये आंखें हैं एक्चुअली। ज्ञान कैसे आता है हमें, कोई संत आकर हमें ज्ञान की बातें बता देता है, और वैराग्य उत्पन्न होता है, भक्ति मणि निकलती है ज्ञान और वैराग्य की आंखों से, उन उस दृष्टि से देखने से। और भाव सहित खोजई जो प्राणी, किसी भी प्राणी ये कोई भी प्राणी यदि भाव सहित उसको खोजता है भक्ति मणि को, अब ये भक्ति मणि चल रही है कि उस वो भक्ति मणि कहां से मिले, भाव सहित खोजई जो प्राणी, जो प्राणी उसको भाव सहित खोजता है। भक्ति मणि एक्चुअली भगवान स्वयं है, फिर मैं वही बात करती, उसको देखने के लिए हमें भाव चाहिए, भगवान से मिलने के लिए
भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भाव चाहिए केवल। तो भाव सहित खोजे जो पानी प्राणी, जो प्राणी उसको भाव सहित खोजता है, पाव भगति मनी सब सुख खानी, उस भक्ति मणि को मनुष्य पा लेता है जो सब सुखों की खान है, सब सुखों का भंडार है भक्ति मणि। जिसको ये मिल जाती है उसके पास सारे सुख आ जाते हैं। उसके लिए चाहिए क्या? भाव चाहिए। ज्ञान और वैराग्य की आंखें तो किसी संत में होंगी, वो हमें लाके भक्ति मणि हमारे आगे रख देगा, लेकिन उसको फिर भी हमारे आगे रखी ना, हमें मिली नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें भाव चाहिए, उसको लेने के लिए। देखिए एक वो आता है मैं लाइने हैं, भाव बिना संसार में भक्ति वस्तु मिले न मोल। भाव बिना, भाव मतलब हर चीज का एक भाव है, रेट है, हालांकि भगवान का कोई भाव नहीं होता, लेकिन भाव बिना संसार में वस्तु मिले न मोल। कोई भी वस्तु मोल नहीं ले सकते हम, भाव बिना हरि क्यों मिले। अब ये दूसरा मन वाला भाव आ गया यहाँ पर, भाव बिना संसार में वस्तु मिले न मोल, भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। हरि का नाम भाव सहित लेना चाहिए, तो भाव के बिना भक्ति मणि नहीं मिलती। और मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, ये अब काकभुशुंडी जी कह रहे हैं कि मेरे मन में तो ये पक्का विश्वास है, क्या कि राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के दास है। कैसे? राम ते अधिक, हमारे लिए जो महत्व है वो संतों का महत्व अधिक है, राम के दास का महत्व अधिक है। कैसे है कि वही देखिए, संत जो होंगे वो खदा पूरे वेद पुराणों में से भक्ति मणि को निकाल के लाएंगे, उसकी पहचान करेंगे और हमारे आगे लाकर रख देंगे, पहली बात तो यू। और कोई भी संत होगा वो हमें क्या सिखाएगा? वो हमें भगवान में लगाएगा। और ये तो मैं पूरे अपने दावे मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि जो संत हमें भगवंत की तरफ नहीं ले जाता, भगवान में नहीं लगाता, भगवान का मार्ग नहीं दिखाता, तो मेरे हिसाब से वो संत नहीं है। जो फिर भी हमें संसार की तरफ लगाए, संसार का ही महत्व बताए, तो वो संत वास्तव में उसको हम नहीं कहें। तो संत हमेशा भगवंत से ही मिलाएगा, भगवान की तरफ लगाएगा। और मोरे मन प्रभु राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक महत्व राम के भक्त का है। भक्त बहुत कीमती है भगवान के लिए भी। भगवान जब उसको कह रहे हैं ना शबरी माँ को, जब नवधा भक्ति बता रहे हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? सातवें नंबर की भक्ति बताते हैं, कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये भगवान के शब्द हैं। वो कहते हैं कि सब में मुझे देखे, सातम सातवीं भक्ति ये है कि मोहि मैं जग देखा, सारे संसार को मेरा ही रूप देखे, सीय राम मैं सब जग जानी। और किष्किंधा कांड में हनुमान जी को राम जी कहते हैं सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चर और अचर मेरे स्वामी का ही रूप है, वो अनन्य भक्त है मेरे, जो सारे संसार में मुझे ही देखता है। ये भी भगवान के शब्द हैं अपने। और यहाँ ये कह रहे हैं सातम सोमय मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा।
मुझसे अधिक संतों को जो मानता है वही मेरा भक्त है, वही मेरी भक्ति कर रहा है जो मेरे से अधिक संतों को मानता है। वास्तव में भक्ति जो है ना, देखिए एक प्रोसेस होता है। जैसे हमें ज्ञान आया, हम ज्ञान के मार्ग पर चले, ज्ञान के मार्ग पर जब हम ज्ञान आ गया, उसके बाद ज्ञान के बाद हमने भक्ति में प्रवेश किया, तो भक्ति के बाद ज्ञान और भक्ति का नर्तन होता है, नृत्य होता है, जिसको हम डांस कहते हैं। नर्तन क्या है? जब भाव में आकर भक्त नृत्य करने लगता है, और इतना ही नहीं, जब भगवान का नाम लेते हुए हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि उसकी लीलाओं का गान करने में, पठन पाठन करने में, पढ़ने में हमारी आंखों से आंसू छलकते हैं, तो ये समझिए ये भक्ति नृत्य कर रही है। कान्हा हमारे, कान्हा वो कृष्ण हमारे हृदय में इतना भर चुका है, लबालब भर गया है, और आंखों के रास्ते से, अंदर पूरा नहीं हो रहा, आंखों के रास्ते से वो बाहर आ रहा है। तो संत यही करेगा, हमें भगवंत से मिलाता है। और राम सिंधु, भगवान क्या है? भगवान राम सिंधु है। सिंधु मतलब समुद्र। घन सज्जन धीरा, जो सज्जन है, जो संत है वो घन है। घन मतलब बादल है। यहां तो इतना है, रामचंद्र जी समुद्र है और धीर संत पुरुष मेघ है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, राम जी तो समुद्र है, समुद्र मतलब अथाह समुद्र है, उसका कोई आर पार नहीं। जो संत है उसमें से जल को लेते हैं। कई बार ऐसा होता है समुद्र का पानी खारा है, भगवान खारे नहीं है, भगवान अथाह है, इसलिए समुद्र कहा है, लेकिन उसका जो जल है वो नमकीन होता है। संत क्या करते हैं, मेघ क्या करते हैं, बादल क्या करते हैं? समुद्र में से पानी को लेते हैं। ये आप सबको पता है, सूर्य वहां से जल को लेता है, पानी बनाकर मीठा जल बरसाता है। उसका पानी कैसा होता है? बादलों का पानी, वर्षा का जल प्योर होता है, मीठा पानी होता है। तो संत क्या करते हैं, समुद्र में से जल लेकर, मतलब इतने बड़े बड़े वेद पुराणों, उतना हम लोग नहीं वहां तक पहुंच पाते, तो वो हमारे आगे उनको मीठा जल बनाकर बरसा देते ताकि हमें अच्छा लगे। क्योंकि समुद्र में से हम जल ले, उसको मीठा करें, हमारी शक्ति में तो नहीं आता, तो वो भी थोड़ा करेंगे, लेकिन वो संत जो है वो वर्षा करते हैं अथा। और चंदन तरु हरि, हरि जो है भगवान के हैं, चंदन के वृक्ष है, तरु मीन्स वृक्ष, भगवान चंदन के वृक्ष है। और संत समीरा, संत जो है वो वायु है, समीर मीन्स वायु, संत वो वायु है जो चंदन के वृक्षों को छू कर आती है और हमें शीतल करती है। कहीं ना कहीं तो संतों के वाक्य हमें हृदय के अंदर स्पर्श करते हैं, छू जाते हैं। तो संत ऐसी वायु है जो उन चंदन के वृक्षों को, भगवान को छू कर आते हैं और हमें शीतल करते हैं। एक वो आते हैं, शाखों को तुम क्या छू आए, तुम शाखाओं, कैसी शाखाओं को छू कर आए हो, शाखों को तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए। कांटे भी खुशबू वाले हो जाते हैं, जीवन के कांटे भी खुशबू वाले हो जाते हैं, उसको भी हम भगवान की लीला मानकर ग्रहण करते हैं। तो संत क्या है, वो समीर है, वायु है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, इन सब का फल क्या है,
हरी भक्ति, ये वर्षा होती है या खानों में से निकालते हैं, भक्ति मणि को निकालते हैं, तो इन सब का फल क्या है? हरी भक्ति। देखो, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, संत चंदन तरु हरि संत समीरा। संत वायु है, सब कर फल हरि भगति सुहाई। सबका फल क्या है? हरि की भक्ति है, भगवान की भक्ति हमें मिल जाए। ओ सो बिन संत न काहू पाई, संतों के बिना तो आज तक किसी को मिली नहीं। संत मतलब सत्संग, सत्संग के बिना किसी को हरि की भक्ति नहीं मिली। शुरू में बालकाल में एक चौपाई आती है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जान अब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। मति अच्छी बुद्धि, मति की रति यश मिला किसी को, गति मति की रति गति सदगति मिली, भूति ऐश्वर्य मिला, भलाई संसार की भलाई करने की बुद्धि मिली। जो जही जतन जहां जही पाई, जिसने भी जिस भी यत्न से पाई है, सो जानव सत्संग प्रभाव, इन ये सब चीजें सत्संग के प्रभाव से ही आती हैं। लोकहु वेद न आन उपाव, संसार में और कोई उपाय, आन मतलब दूसरा, कोई उपाय है ही नहीं इन सबको प्राप्त करने का। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकम वेद न आन उपाव। तो यहाँ ये कह रहे हैं, सो बिन संत न काहू पाए, संतों के बिना कोई पा नहीं सकता। अस विचारी जोई करी सत्संग, ऐसा विचार करके जो कोई भी व्यक्ति सत्संग करते हैं, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा, हे विहंग हे पक्षीराज, जो संतों का संग करते हैं उनको राम की भक्ति सुलभ होती है। विहंग मतलब हे पक्षीराज, पक्षी काकभुचुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, हे पक्षीराज हे गरुड़ जी, उसको भक्ति सुलभ हो जाती है जो संतों का संग करते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन आती है संत के लिए, तू रब से मुखातिब, तू भगवान की तरफ लगे हुए हो संत के लिए है, तू रब से मुखातिब मैं तुझसे मुखातिब। मुखातिब मतलब सन्मुख होना, तुम्हारी तरफ मुंह करके बैठा हूं। तू रब से मुखातिब मैं तुझसे मुखातिब, तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है, तुझे भी हरि नाम का नशा है। संत को एक भक्त कह रहा है कि तुम्हें भी हरि नाम का नशा है, मुझे भी हरि नाम का नशा है। तू रब से मुखातिब मैं तुझसे मुखातिब, तुझे भी नशा है मुझे भी नशा है, हम दोनों नशे में, हरि नाम का नशा है। तो आगे बढ़े हम, ब्रह्म भयो निधि मंदर, ब्रह्म जो भगवान है, पयो निधि है वो तो समुद्र है, वेद जो है ब्रह्म, भगवान खुद वेद है। तो ब्रह्म पयो निधि मंदर, जो वेद है ये तो समुद्र है, ज्ञान क्या है मंदर, मंदर मतलब मंदराचल पर्वत। पर्वत ऐसा था जब समुद्र में से, समुद्र का मंथन किया गया था, आप सब लोगों को पता हो गया होगा कि समुद्र का मंथन किया गया था, मथा गया था, देवता और राक्षसों ने मथा था, और मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। सेंटर में मंदराचल को रखा था, उसमें रस्सी बांधी गई थी, इधर से एक तरफ से देवताओं ने उसमें से मथा था, जैसे मक्खन निकाला जाता है मथा जाता है, तो मंदराचल पर्वत था वो। तो उसी वही बात ये कह रहे हैं कि ब्रह्म पयोनिधि, ब्रह्म मतलब वेद जो है वो समुद्र है, ज्ञान जो है मंदराचल पर्वत है, और संत क्या है वो देवता है,
देवता और राक्षसों ने उसका मंथन, एक तरफ से उन्होंने रस्सी को खींचा था देवताओं ने, तो जो देवता है वो उसका मंथन करने वाले हैं, मथने वाले हैं। संत सुर आही, देवता जो है वो, संत जो है वो देवता है, उस समुद्र को कथा सुधा मथि काढ़हि, कथा रूपी सुधा, सुधा कहते हैं अमृत, समुद्र में से अमृत निकला था, विष भी निकला था, लेकिन हम अब अमृत की बात कर रहे हैं, कथा रूपी अमृत को देवता निकाल लाते हैं, उसमें से मंथन करके उसको मथकर अमृत को, आपको मुझे लगता है समझ आ रही होगी ये बात कि समुद्र का मंथन करके, वेदों के समुद्र का मंथन करके उसमें से राम नाम रूपी कथा निकाल कर ले आते हैं संत, वही वही अमृत है, जो अमृत समुद्र में से निकाला गया था ये राम नाम रूपी अमृत ही है। और इससे क्या होता है, देखिए राम नाम रूपी कथा से क्या होता है, कथा से व्यथा समाप्त होती है। राम आप याद करिए, अगर सुंदरकांड में आता है, रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र की कथा का जब वर्णन करने लगे हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, दुख भाग गया, एक नियम है, राम कथा से हमेशा व्यथा समाप्त होती है, बशर्ते वो कथा ही हो, प्योर हो। और कथा सुधा मथि काढ़हि, कथा रूपी अमृत निकालकर संत ले आते हैं, भगति मधुरता जाहि, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता मतलब मिठास भरी हुई होती है। अक्सर हम सुनते हैं ना, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, आप सबने सुना हुआ होगा, एक्चुअली सीताराम कृष्ण नाम शिव नाम इन सब में मधुरता भरी हुई है, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। तो भगति मधुरता चाहिए, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता मतलब मिठास भरी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, विरति चर्म, अब ये थोड़ा सा ज्ञान की गहराई में जाइए, वैराग्य रूपी ढाल से, विरति चर्म, विरति मतलब वैराग्य रूपी ढाल, ढाल क्या करती है, किसी भी प्रहार को रोकने का काम करती है। आप ढाल जानते हैं क्या होता है, एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे में जो योद्धा होते हैं ना वो एक गोल सा बना हुआ होता है, कि कोई अगर दुश्मन हमारे ऊपर शत्रु अटैक करता है तो उस ढाल को आगे करते हैं, उस ढाल पर ही उस वार को सह जाते हैं, उससे उनका अपना बचाव होता है। तो विरति चर्म, वैराग्य क्या है, वो ढाल है, वैराग्य हमें हर चीज से बचा के रखता है कि क्या करना है। असी ज्ञान, असी मतलब तलवार, असी शब्द का मतलब है तलवार, तलवार क्या है, ज्ञान है, ज्ञान से हम अपने दुष्प्रवृत्तियों को, अपनी आने वाली कठिनाइयों को, आने मार्ग में आने वाली रुकावटों को ज्ञान रूपी तलवार से काटते हैं और वैराग्य की ढाल हाथ में रखते हैं। और मद लोभ मोह रिपु मारी, मद लोभ और मोह जो है, रिपु मतलब ये शत्रु हैं हमारे जीवन में, इनको उस तलवार से हम मारते हैं काटते हैं। और इन सब से देखिए, मद लोभ मोह ये शत्रु हैं, इनसे अपने को बचाते हैं वैराग्य की ढाल से, और उस तलवार से इनको मारते हैं ज्ञान की तलवार से। रो मोह रिपु मारी, जय पाई सो हरि भगति, इस प्रकार जो हमें विजय प्राप्त होती है इन वैरियों को मारकर, काम क्रोध लोभ मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त होती है वो क्या है, सो हरि भगति,
वो हरि भक्ति ही है। इन सब से युद्ध करने के बाद, इन सबको मारने के बाद जो हमें प्राप्त होगी वो हरि भक्ति प्राप्त होगी। देखो खगेश विचारी, हे खगेश, खग मीन्स पक्षी, ईश मतलब पक्षी राज, पक्षियों के स्वामी, आप विचार कर देखिए कि भक्ति के मार्ग में ये सब हमारे शत्रु हैं। और मेरे हिसाब से तो अब आप ज्ञान की तलवार ले रहे हैं, वैराग्य की ढाल ले रहे हैं, शरणागति में अगर आप, हम और आप आ जाते हैं तो ये सब अपने आप हमें मिल जाएगा। फिर हमारी सुरक्षा ईश्वर करते हैं। हमसे अगर ये नहीं जाएंगे तो खुद भाव से भगवान की शरण में हो जाए, भाव से कि भगवान को यही कहें कि मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी राम सुखदास जी का बहुत सुंदर भजन है, मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ, एक बाल बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आप। इस बात की स्वीकृति चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए कि मैं हूं केवल आपका, आप हो मेरे नाथ, आप ही मेरे नाथ हैं। इसके बाद जब हमारे पास ये भक्ति रूपी मणि आ जाएगी, जो भक्ति आ जाएगी, उससे क्या होगा, उससे हमारे सारे भव रोग समाप्त हो जाएंगे। जितने हमारे, देखिए कोई भी बीज होता है ना, बीज जो बोया जाता है, हम लोग बोते हैं ना, ये इस चीज का बीज बो दिया, इसका बोया। अगर आप बीज को भून देते हैं किसी कढ़ाई में, किसी गैस पर या माइक्रोवेव में, कहीं भी उनको आप भून देते हैं, तो उसमें से वृक्ष या पौधा नहीं उगता। भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। तो राम रक्षा स्तोत्र में आता है, भर जन्म भव बीजानाम, भव के बीज जो संसार में हमारे कर्मों के बीज है उनको हरि नाम भून देता है। भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम्यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। हरि नाम का गर्जन करना मतलब भाव के साथ हरि नाम लेना क्या करता है, हमारे सारे जो कर्मों के बीज हैं उनको भून देता है। हमें गैस पर भी नहीं भूनना पड़ेगा, वो सांसारिक बीज है जो ये दूसरे, भर जन्म भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, सुख संपत्ति का अर्जन होगा, कमाई होगी आपके पास, इकट्ठी होगी सुख संपत्ति। और लेकिन राम नाम है उसके लिए, ये राम नाम से ही होगा। तो मद मोह ये आगे हम इनकी चर्चा करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह क्या है, कैसे पैदा होते हैं, इनके क्या लक्षण है, आगे हम उन पर आएंगे। इसलिए अब मैं यहाँ ज्यादा इसको नहीं करूंगी विस्तार से कि इन सब के क्या लक्षण है, कैसे इन पर विजय पाया जाए, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए, जो हमारी शक्ति है। तो अब आगे चलते हैं हम इससे। पुण्य सप्रेम बोले खगराऊ, इतना सब हो गया। इसके बाद गरुड़ जी प्रेम सहित कहते हैं, पुण्य सप्रेम बोले खगराऊ। पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम सहित कहते हैं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, यदि आपका प्रेम है मुझ पर, प्रेम भाव है अगर आपका मेरे ऊपर, जो कृपाल मोहि ऊपर, हे कृपालु कागभुषुंडी जी, यदि आपका मेरे ऊपर भाव है, प्रेम भाव है, नाथ मोहि निज सेवक जानी, मुझे अपना सेवक जानिए। अब आप ये देखिए, किसी से भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें नम्र होना पड़ता है।
अगर हम नम्र नहीं हैं, झुकेंगे नहीं, तो हम देखिए कुछ कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें जल पीना है, घड़े में से जल लेना है, तो हमें झुक कर पीना होगा। नल से जल पीना है तो झुकना पड़ेगा। बिना झुके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, स्पेशली ज्ञान, भक्ति, या ये कहिए कि अध्यात्म में, जब तक हम नम्र नहीं होंगे। अब ये तो पक्षी राज है, कागभुसुंडी जी तो पक्षी राज नहीं है, लेकिन उनके आगे ये कह रहे हैं कि यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है, भाव है, वो आपने सुना हुआ है ना, एक राजा ने किसी संत को बुलाया था अपने दरबार में और उनको कहते हैं कि मुझे ये बताओ तुम्हारा ईश्वर क्या करता है। कभी कई बार राजा अहंकारी होते हैं, वो बड़े अपने कठोरता से पूछते हैं संतों से भी कि हे विप्र मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान क्या करता है। तो उस साधु ने क्या कहा, उसने कहा आप सिंहासन पर बैठे हैं, मैं नीचे हूं, जिसको प्रश्न पूछना होता है वो नीचे होता है, प्रश्नकर्ता को नीचे बैठना होता है, लेकिन जिससे पूछते हैं उसको ऊपर बिठाया जाता है। तो राजा ने कहा ठीक है, वो नीचे आ गया राजा और उस साधु को अपने सिंहासन पर बिठाया और फिर पूछता है बताओ तुम्हारा भगवान क्या करता है, राजा ने आकर पूछा। तो साधु का बहुत सुंदर जवाब था, वो कहता है यही करता है, यही करता है जो अभी हुआ है कि साधु को ऊपर बिठाया, वो नीचे आया, मेरा भगवान यही करता है। तो यहाँ ये कहते हैं नाथ मोहि निज सेवक जानी, मुझे अपना सेवक समझो, ये पक्षी राज कह रहे हैं, गरु जी कह रहे हैं। सप्त प्रश्न मम कहो बखानी, मुझे सात प्रश्न बताओ, सात प्रश्न करते हैं और उनके सात प्रश्न क्या हैं उन पर हम चलते हैं। कहते हैं प्रथम ही कहो नाथ मति धीरा, हे मति धीर, हे धैर्यमान, मुझे कागभुसुंडी जी को कह रहे हैं गरु जी, मुझे ये बताओ सात प्रश्न आप काउंट करते जाना। सबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। बहुत शरीर हैं, कितनी योनियां हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। और बड़े दुख कवन, सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में। कवन सुख भारी, ये तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा सुख क्या है। आप और हम भी ये सोचते हैं कि सब दुखी, हम कहते हैं ये चीज का दुख है, ये दुख है, ये दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये कागभुसुंडी जी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं। सोई संक्षेप ही कहो बिचारी, वो संक्षेप में मतलब शॉर्ट में मुझे बताओ विचार करके। संत असंत मरम तुम जानो, संतों और असंतों का मर्म आप जानते हो। मर्म मतलब उनको गहराई से आप जानते हो, उनका भेद आप जानते हो संत और असंत का। तिनकर सहज सब स्वभाव बखाना हो, उनका भेद तो आप जानते हो, उनका स्वभाव बताओ कि क्या स्वभाव होता है, संतों और असंतों का स्वभाव क्या होता है। और कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, श्रुतियों में मतलब वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, कवन पुण्य श्रुतियों में या वेदों में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। और कहो कवन अघ, अघ मीन्स पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है। परम कराला, सबसे बड़ा कराल पाप क्या है। अब ये छठा प्रश्न है कि पांचवा है कि सबसे विशाल पुण्य क्या है और सबसे बड़ा अघ मीन्स पाप क्या है। अब देखिए पाप पुण्य संत और असंतों के गुणों की चिंता किसको हो रही है, इसका जो संवाद चल रहा है वो किसमें चल रहा है,
दो पक्षियों में चल रहा है। कागभुशुंडी जी पक्षी है, गरुड़ जी भी पक्षी है, दो पक्षियों को चिंता है कि संत और असंत कौन, पुण्य और पाप क्या, सबसे अच्छा शरीर क्या। और फिर सातवां प्रश्न क्या है, मानस रोग कहो समझाई, मुझे मानस रोग समझा कर कहो। मानस रोग मतलब ऐसे रोग जो हमारे मन में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे शरीर के आंतरिक रोग, इंटरनली जो हमें बीमार बनाते हैं वो रोग बताओ। और तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं और आपकी कृपा मुझ पर है। कृपा तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अपने भेद खोल कर रख देता है, हरि कथा को खोल कर हमारे आगे रखता है, ये उसकी कृपा है संत। एक चौपाई आती है, गुणं तत्व न साधु दुरावहीं, गुण तत्व जो होते हैं साधु छिपाते नहीं है, किसके आगे नहीं छुपाते, आरत अधिकारी जह पावहीं, गुण उस तत्व न साधु दुरामही, आरत अधिकारी जह पावही। जहां आर्थ, आर्थ मतलब जानने को इच्छुक है और अधिकारी है, उसके आगे गुण तत्वों को नहीं छिपाते संत, उनके आगे प्रकट कर देते हैं। और यहां भी उनको अधिकारी समझकर वो कहते हैं, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकार, आपकी मुझ पर बहुत अधिक कृपा है, इसलिए मुझे आप बताइए। और अब वो उसके तत्व बताना शुरू करेंगे कि क्या क्या बीमारियां हैं, कौन से, वो तो एक एक शब्द में बताएंगे। देखिए गरुड़ जी ये कह रहे हैं, मुझे संक्षेप में बताइए कि क्या है, क्योंकि गरुड़ जी ने इससे पहले पूरा ज्ञान ले लिया। आपको मालूम है गरुड़ जी विष्णु जी का वाहन है, गरुड़ जी के ऊपर चलते हैं, और इनको सारे वेद इतने अच्छी तरह से आते हैं, वेदों का ज्ञान, चारों वेद। ऐसा कहते हैं कि जब ये उड़ते थे तो इनके पंखों में से वेदों की ध्वनि आती थी, वेदों के श्लोकों की ध्वनि आती, फिर भी उनको मोह हुआ है। इनके पास आए हैं कागभुशुंडी जी के पास, कागभुशुंडी जी कहते हैं आपके मोह के बहाने से भगवान ने मुझे एक कहना चाहिए, मुझे बड़ाई दी है, बड़प्पन दिया है, मुझे बड़प्पन दिया है। तो पहले कह चुके हैं, तो तात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति, मैं आपको संक्षेप में यह नीति बताता हूं कि क्या है। नर्तन सम नहीं कम निमते ही, मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, एक लाइन में बता रहे हैं। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ये क्या है, ये नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, ये भगवान के शब्द है, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। समुद्र संसार सागर से पार करने के लिए मनुष्य शरीर एक जहाज का काम करता है, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, उसके साथ मेरी अनुग्रह रूपी वायु चलती है, मेरी कृपा रूपी वायु चलती है, और जो भगवान की कृपा रूपी वायु है सब पर बराबर है, सब पर मोरी बराबर ही दया, बराबर दया मेरी बरस रही है सबके ऊपर। और मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है, इससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आए थे हरि मिलन को ओटन लगे कपास,
आके हम बेकार में लग गए हैं। हरि को प्राप्त करने के लिए हमें शरीर मिला था, तो ये कह रहे हैं नर्तन सम नहीं कवने देही जीव आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। आंटी आ रही है। ओके, आ रही आ रही। नर्तन सम नहीं कमने उदे ही मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, और जीव जराचर चराचर जाचत देते ही याचना करते हैं चर और अचर कि हमें मनुष्य शरीर मिले। और ये कैसे मिला है हमें मनुष्य शरीर? कबहु की करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी कृपा करके हमें ये मनुष्य शरीर देते हैं, उनकी कृपा से ही मिलता है। और कभी ये बेचैनी हमें होनी चाहिए कि इस शरीर को हम बेकार गमाया। और आगे बढ़ते हो, एक इसमें मुझे वो भी याद आ रहा है, नर्तन पाई विषय मन देही पलट सुधास्ते सठ विश्ले। नर्तन पाकर, मनुष्य शरीर पाकर हम विषयों में मन लगा देते हैं, इंद्रियों के विषयों में वो हम भूलने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ये शरीर जन्म व्यर्थ जाने लगता है। पलट सुधाते सठ विचले, अमृत को छोड़कर हम विष को पकड़ लेते। संजीवनी बूटी हमारे पास है, राम नाम रूपी संजीवनी बूटी लिए बैठे, तो मुझे लगता है इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है, इसकी जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है, तो इसकी हम चर्चा कल बैठकर बड़े प्यार से करेंगे। और सच पूछिए तो संसार एक कच्चा कुआं है। कच्चा कुआं किसको कहते हैं? जिसके किनारे, एक कुआं है संसार, इसके किनारे कच्चे हैं, मतलब उसको पक्का नहीं किया गया, कच्ची मिट्टी के बने हुए हैं, उसमें से हमें पानी निकालना है, समुद्र में से, कुएं में से, तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ता है, वहां से निकालना पड़ता है। कच्चे कुएं के किनारे पर खड़े हैं, कभी भी हमारा पैर फिसल सकता है, तो थोड़ी हमें सावधानी से चलना होगा। और इसके साथ ही राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ तुम्हें सुनायो सोई, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करउ गुरुदेव की नाई, पवन तने संकट हरण मंगल मूरति टू राम लक्षण सीता सहित प्रभु राम जय जय राम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस अमृत पान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम दीदी, राम 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 राम।